अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? तो आज का जो ये ब्लॉग है ये मैंने रात से स्टार्ट किया है, रात में, क्योंकि मैं 11 बजे तक चाय बनाती हूँ। तो आज मैंने चाय तो बनाई थी सबके लिए, लेकिन खुद के लिए मेरा नहीं दिल कर रहा था कि मैं आज चाय पीऊँ। तो फिर मैंने क्या किया, मैंने सोचा चलो फ्रूट खा लेती हूँ, थोड़ी सी खजूरें ले लेती हूँ। तो उससे फारिग होके फिर अम्मी ने, क्योंकि काफ़ी दिनों से कह रही थी कि बढ़िया बना के रखनी है, आप लोग भी मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों के घर में भी बढ़िया बनती हैं और आप किस तरीके से बनाते हैं। हम लोग बढ़िया कैसे बनाते हैं मैं आपके साथ जल्दी जल्दी शेयर करती हूँ। हम लोग जो है चने की दाल, उसको 2 से 3 घंटे के लिए भिगो देते हैं। फिर उसके अंदर हम लोग जो है अदरक लहसुन ज़्यादा डालते हैं और हरी मिर्चें जो हैं, अगर आपने आधा किलो बढ़िया बनानी है तो आधा किलो ही हम लोग, मतलब आधा किलो चने की दाल को हम लोग भिगो के और उसके अंदर अदरक लहसुन थोड़ा सा ज़्यादा ही डालें तो मज़े की लगती हैं। बस नमक, थोड़ी सी लाल मिर्च और थोड़ा सा गर्म मसाला, इसके अलावा जो है अदरक लहसुन के साथ थोड़ी सी हरी मिर्चें, तो यकीन करें कि इतने मज़े की लगती है ना फ्राई होने के बाद। मेरा तो ये फेवरेट जो स्नैक है ना वो ये है। और यहाँ पर मैं कहूँगी, और ये मेरे ख्याल में जो वेजिटेरियन नगेट्स है ना, मैं इनको ये बोलूँगी क्योंकि इतने मज़े के होते हैं। और जो चिकन के नगेट्स होते हैं ना, बिल्कुल एग्जैक्टली इनका टेस्ट वही बनता है। और मुझे तो ये बहुत ज़्यादा पसंद है। जब भी अम्मी बढ़िया बनाती हैं ना, आधे से ज़्यादा तो मैं मेरे ख्याल में ऐसे ही खा जाती हूँ। क्योंकि इनको थोड़ा सा फ्राई करने का भी ये है कि थोड़ा सा हार्ड करें, क्योंकि जो इनका क्रस्ट बनता है ना वो बहुत मज़े का लगता है। तो लेकिन सालन में जाके जब हांडी पकती है तब तो ये नरम हो जाते हैं, लेकिन इस वक्त जब, अगर आप स्नैक के तौर पे खाना चाह रहे हैं तो इसको जितना क्रिस्पी रखेंगे ऊपर, उतना ही अंदर से उतनी सॉफ्ट होगी, ऊपर से क्रिस्पी क्रंची होगी। और बिल्कुल आपको यकीन नहीं आएगा, एक दफ़ा ट्राई करके देखें, आपको चिकन के नगेट्स से ज़्यादा ये मज़े के लगेंगे। अभी भी यही मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तो मेरे मुंह में पानी भर 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 आ रहा है, क्योंकि मुझे बहुत पसंद है ये। और साथ में मैंने केचप ले ली थी और फिर चाय बना ली थी। और यहाँ पर तकरीबन रात के 1:30 बज रहे थे और इतना खूबसूरत मौसम हो गया था, इतना प्यारा, इतनी ठंडी ठंडी हवाएं चलना शुरू हो गई थी और बादल आप देखें, इतना खूबसूरत ये लग रहा था ना। तो कैमरे से शायद उतनी वो चीज़ खूबसूरती नज़र नहीं आती जो हम लोग अपनी आंखों से देख रहे होते हैं। तो बहुत ही ठंडी हवा और तेज़ बारिश हो रही थी, तो बहुत ही प्यारा मौसम हो गया था। काफ़ी दिनों से थोड़ी सी गर्मी गर्मी थी, लेकिन ये जो बारिश हुई है ना, इसके बाद मौसम बहुत अच्छा हो गया और अब लगता है कि बाकी अब ठंड जल्दी आने ही वाली है। लेकिन हैरत की बात है, अक्टूबर का मिड भी आने वाला है और अभी तक उतनी ठंड नहीं आई जितनी हो जानी चाहिए थी। खैर, यहाँ पर अब ये है सुबह का नाश्ता, और सुबह के नाश्ते में क्योंकि कल मौसम इतना अच्छा हो गया था तो मुझसे तो बिल्कुल भी नहीं रहा गया। और फिर मैंने सोचा कि चलो सुबह उठ के जो है ना वो पराठे बनते हैं। तो यहाँ पर अम्मी को हमेशा होता है कि ऑमलेट बनाओ पराठे के साथ ना, तो फिर मैंने, क्योंकि सालन भी खैर कोई भी नहीं पड़ा हुआ था, फिर मैंने सोचा चलो पराठे ही बना लेती हूँ और इसके साथ खाने के लिए ऑमलेट बनाती हूँ। जी, मैंने सबको पराठे बना के दे दिए हैं और अब भाई है मेरी बारी, मैं अपने लिए अब ये पराठा बना रही हूँ। तो मैंने बहुत बड़ा नहीं बनाया, मतलब थोड़ा सा छोटा ही मैंने अपने लिए बनाया है और मैं थोड़ा सा इसको क्रिस्पी सा करूँगी। मुझे बहुत ज़्यादा जला हुआ पराठा ना वो बिल्कुल भी नहीं पसंद, और मुझे थोड़े से इस तरह गोल्डन गोल्डन और क्रिस्पी सा जो पराठा होता है ना वही अच्छा लगता है। तो यहाँ पर मैं भी फटाफट अब अपना नाश्ता इंजॉय करूँगी। तो नाश्ता वगैरह करने के बाद, मैंने कोई भी क्लिप नहीं बनाया था, ये है शाम का टाइम। शाम में मैं थोड़ी देर के लिए भाई के साथ नीचे गई थी सिविक सेंटर, तो वहाँ पर जाते जाते ना ये हमारे पीछे घर बन रहे हैं और ये ब्राइफ रोक थे। हर दफ़ा जब भी मैं गुजरती थी, पता नहीं क्यों, ये मुझे बहुत अच्छे लगते थे बाहर से ना, तो मैं अब बहुत दिल करता था कि मैं देखूँ अंदर जाके कि ये कैसे बने हुए हैं।
तो एक दो दिन पहले भाई भी होके आए थे, तो वो भी बता रहा था कि ये मतलब बिक गए हैं ना, एक वाला घर डबल ये बने थे, डबल पोर्शन। तो फिर एक जो है वो सेल आउट हो गया था, एक रहता था। फिर मैंने सोचा इससे पहले कि ये भी हाथ से जाए, इसको तो मैं देख ही लूँ कि ये कैसा बना हुआ है। तो यहाँ पर बहुत ही प्यारा बना हुआ था घर। कुछ चीज़ें थोड़ी सी मुझे इनकी थोड़ी सी जो थी ना वो अच्छी नहीं लगी, लेकिन जो इनकी सीलिंग है वो मुझे बहुत पसंद आई। इनका किचन बहुत खूबसूरत है, और ख़ास तौर पे जो ये स्किन टाइल्स लगती है ना, वाइट मार्बल जो लगता है, वो तो जिस घर में लग जाए ना, मुझे लगता है चार चांद लग जाते हैं, क्योंकि वो उसका जो रिफ्लेक्ट करता है वाइट कलर ना, वो और ही चीज़ों को खूबसूरत दिखाता है। तो बाकी तो उनका ठीक था चीज़ें, लेकिन ये दो चीज़ें तो मुझे बहुत अच्छी लगी। तो यहाँ पर जी बेला साहिबा अभी मैं आके बैठी ही थी, तो आके अब मुझे अपनी शक्लें यूं बना के दिखा रही थी कि मुझे भूख लगी है और मुझे खाने को दो कुछ। तो यहाँ पर इसके तो नखरे, मैं आपको क्या बताऊँ, इतने नखरे लगाती है ना ये, जिसकी कोई हद नहीं। तो यहाँ पर जो है बबल, वो तो सारा दिन अम्मी के पीछे 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 पीछे, जहाँ अम्मी ने बैठना है उसने बैठना है, जहाँ अम्मी सोंगी तो अम्मी के साथ सोएगी। लेकिन बेला जो है ये ज़्यादा हमारे इतना ज़्यादा चिपकू तो नहीं है, लेकिन ये है कि मतलब ये दूर दूर रहती है, ये बहुत ज़्यादा ऐसे हमारे साथ चिपक के नहीं रहती, ये दूसरे कमरे में ही ज़्यादा रहती है, मरियम वाले कमरे में ही ये मतलब ज़्यादा रहती है, और उसको मुझे लगता है थोड़ा अलग अलग रहना ही अच्छा लगता है। तो यहाँ पर जो है वो मैंने हांडी भी रखी हुई थी, और आज हम लोगों के घर क्या पका है, और मैंने बनाए थे चिकन जो है छोले, और यहाँ पर जो है मैंने अपने लिए थोड़े से फ्राइज़, और मैं थोड़ी सी रेसिपी ट्राई करने के लिए मैंने बनाए थे चिकन का ना, मैं लेके आई थी नेशनल वालों का ब्रोस मसाला। तो मैंने थोड़े दिन पहले किसी सिस्टर के ब्लॉग में देखा था, वो बना रही थी, तो उनको देख के फिर मेरा भी बहुत दिल किया कि मैं भी ट्राई करती हूँ। तो फिर मैंने सोचा कि चलो थोड़ी सी ही चिकन का ना बना के चेक करते हैं कि कैसा बनता है, फिर अगर अच्छा बना तो इंशाल्लाह फिर मैं सबके लिए बना लूँगी। तो यहाँ पर अब मैंने अब्बू के लिए खाना डाल लिया है, और मैं अब्बू को जाके दूंगी अब। और साथ साथ जो मैंने ये चिकन मैरिनेट किया था, ये मैंने दोपहर में ही करके रख दिया था, सिर्फ तीन चार ही मैंने चिकन की बोटियाँ ली थी ट्राई करने के लिए, क्योंकि मेरा ये फर्स्ट एक्सपीरियंस था, फिर मैंने सोचा कि नेक्स्ट टाइम फिर सबके लिए ज़्यादा सारा बना लूँगी। तो यही होता है कि फर्स्ट टाइम कोई चीज़ ट्राई करने लगे तो थोड़ी सी ही ट्राई करनी चाहिए, क्योंकि उसका हमें नहीं पता होता कि उसका फ्लेवर कैसा है, उसकी क्वांटिटी हम कितनी लेंगे तो वो चीज़ सही बनेगी। तो ये मेरा फर्स्ट ही एक्सपीरियंस था, तो मैं बहुत ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहती थी। और आजकल जो है वो चिकन वैसे ही बहुत महंगी हुई हुई है, तो अम्मी तो मुझे डांट रही थी कि तू किन चक्करों में पै गई है, चुप करके तू चने दे सालन खा। तो मैंने कहा नहीं जी, मैंने तो नहीं खाना, मैंने ये चिकन बनाऊंगी और मैं यही खाऊंगी, और मैंने आज फ्राइज़ खाने हैं, आज जो है वो मरियम की जगह मैंने फ्राइज़ खाने हैं, क्योंकि मरियम को जब कुछ नहीं अच्छा लगता तो वो हमेशा चिप्स बनाती है और वो खाती है। तो मैं वैसे नहीं खाती इतना फ्राइज़ वगैरह ना, लेकिन आज मरियम क्योंकि घर पे नहीं थी तो उसकी ड्यूटी मैं निभा रही हूँ, और आज मैंने फ्राइज़ खाने हैं। तो यहाँ पर मैं चिकन बना रही हूँ, और ये मैंने क्या किया, हाँ जी मैंने ये किया था कि मैंने दोपहर को ना सिरका थोड़ा सा डाल के, और इसमें लिखा हुआ था थोड़ा सा नमक और सिरके में आपने इसको मैरिनेट करना है 3 से 4 घंटे के लिए। उसके बाद फिर आपने ये जो इनका बैटर सा है ना, इसको आपने उसके ऊपर कोट करना है, और फिर आपने इसको डीप फ्राई करना है, तो मतलब ये ब्रोस्ट रेडी हो जाएगा। लेकिन मैंने क्या किया था कि मैंने, क्योंकि मैंने तो थोड़ी सी चिकन बना रही थी, इसलिए मुझे था कि बहुत ज़्यादा इसका तेज़ फ्लेवर होगा, क्योंकि जब मैंने डाला ना तो एक स्ट्रॉन्ग सी स्मेल बहुत ज़्यादा आ रही थी लहसुन की ना, तो फिर मैंने सोचा कि थोड़ा ये डालती हूँ 1 चम्मच, और फिर उसके अंदर मैदा कोट करके ना फिर इसको फ्राई करके चेक करते हैं, ये ना हो कि इतना तेज़ हो जाए स्मेल के मुझसे खा ही ना जाए। तो फिर मैंने यहाँ पर बस अब इसको मैंने साथ साथ अब मैं इसको डीप फ्राई करती हूँ। Thank you.
यहाँ पर जो है मैंने थोड़ा सा ऑयल को गरम कर लिया था, मतलब मीडियम टू हाई फ्लेम पे ना। जब ये मीडियम हो गया था, मतलब इसका ना ऑयल का टेम्परेचर, तो मैंने इसके अंदर थोड़ा सा बटर डाल के चेक किया कि ये कितना गर्म हुआ है, फिर मैंने अंदाजे से ये डाल दिए। और अब मैं इसको ना ढाँप कर कम से कम 5 मिनट एक साइड पे पकाऊंगी और 5 मिनट दूसरी साइड पे, और फिर मैं इसको चेक करती हूँ। और हाँ जी, और इसके बाद ना ऐसे जो कोई फ्राई करने वाली चीज़ें होती हैं तो उनको बहुत जल्दी जल्दी हिलाना नहीं चाहिए, क्योंकि जो उनके ऊपर क्रश लगा होता है वो आपके चम्मच या पेंदे में ही चिपक जाता है। तो उसको थोड़ी देर अपनी जगह पर उसको मतलब अच्छी तरह उसको कोट होने के लिए ना, कि वो अपना ऑयल के अंदर जाके थोड़ा सा बैठ जाए, फिर ही हिलानी चाहिए। तो मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा है इसके साथ मैं आपको बताती हूँ। और मैंने जो फ्राइज़ हैं वो हमेशा मैं आटा जो होता है ना, आटा या मैदा उसके ऊपर और नमक डाल के या फिर चाट मसाला डाल के मैं फ्राई करती हूँ। बहुत मज़े के बनते हैं और क्रिस्पी बनते हैं। और फ्राइज जो हैं वो भी बहुत ज़्यादा लो, मतलब मीडियम फ्लेम से थोड़ा सा हाई फ्लेम पर ही फ्राई करने चाहिए, तो वो ज़्यादा क्रिस्पी बनते हैं। तो यहाँ पर देखें ये पत्थर जैसी जो चिकन है ना वो रेडी हो गया है। ये पता नहीं मैंने शायद मैदा डाला है उससे, लेकिन अगर मैं खाली वो जो इनका बैटर था वो डालती तो उससे भी मुझे लगता है ये हार्ड ही होते। और यहाँ पर मेरा इसका फर्स्ट एक्सपीरियंस जो था ना वो बहुत ही बुरा गया। शुक्र है मैंने ज़्यादा चिकन का नहीं बनाया, वरना मम्मी ने तो मुझे बहुत ही ज़्यादा मुझे डांटना था। तो ये हुआ कि चले फर्स्ट अटेम्प्ट जो है वो मेरा इतना अच्छा नहीं गया, अगली दफ़ा देखते हैं कैसा बनता है। तो जी यहीं तक था मेरा छोटू सा ब्लॉग। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।